मित्रों, हेलो। पिछली जो हमारी क्लास थी 15 नंबर की, उसमें हम मूसा की कहानी वो हम सुनी थी। हमने वो कहानी पूरी नहीं हुई थी। उतना भर आपको मालूम है कि मूसा 10 साल तक मदाइन के अंदर अपने फादर इन लॉ, जो खुद नबी थे, शोएब नबी, उनके साथ वो रहे। 10 साल बाद फिर उनके मन में आया कि अब मुझे वापिस अपने देश इजिप्ट जाना चाहिए, मिस्र जाना चाहिए। मैं अपने परिवार और उनके दो बच्चे थे, तो परिवार यानी अपनी पत्नी और दो बच्चों को लेके मैं मिस्र जाऊं, माँ अपने बड़े भाई हारून से मिलूं और अपनी माता जी से भी मिलूं। तो ये सोचकर वो मदाइन से इजिप्ट के लिए यात्रा पर निकले। जब वो माउंट सिनाई की वैली के अंदर थे, माउंट सिनाई के पास में उसके मैदान में थे, तब जो है सूरज ढल रहा था, रात होने लगी थी और रात जो है बहुत डार्क थी, अंधेरी थी और ठंडी भी बहुत थी। तो उन्होंने सोचा कि अब रात में यात्रा नहीं करेंगे, यहीं पे रुक जाते हैं, थोड़ी सेफ जगह है, पहाड़ है तो उतनी सर्दी नहीं लगेगी, थोड़ा बच जाएंगे, तो यहाँ पे रुक जाते हैं। जब वहां पे ठहरे तो उन्होंने देखा कि जो माउंट सिनाई था उस पे कुछ प्रकाश है, कोई चीज जल रही है। तो उन्होंने सोचा कि मैं क्यों ना इस पहाड़ पे जाऊं और जाके कोई अंगारा वगैरह ले आऊं, ताकि हम भी यहाँ नीचे मैदान में लकड़ियां जला के और ताप लेंगे और सर्दी से थोड़ी राहत मिलेगी। तो ये सोचकर वो पहाड़ पे गए। जब पहाड़ पे गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर कि एक कांटेदार हरी भरी झाड़ी है और उससे रोशनी निकल रही है। तो वो अभी अचंबा कर ही रहे थे कि उन्होंने सुना कि उस प्रकाश में, उस ज्योतिर्मय झाड़ी से एक आवाज आई, और इस आवाज का जो वर्णन है वह कुरान के चैप्टर 20 के अंदर, 11 और 12 नंबर की वर्स के अंदर दिया हुआ। ये वर्णन कि वो झाड़ी से आवाज आई, कुरान में भी है, बाइबिल में भी है। कुरान के अंदर जिसमें दिया हुआ उसका चैप्टर 20 है और वर्स नंबर है 11 और 12। तो आवाज जो आई थी वो ये थी कि ए मूसा, मैं तुम्हारा परवरदिगार हूँ, मैं तुम्हारा पालनहार हूँ, अपनी जूतियां उतार दो और आगे की तरफ बढ़ो। तो ये सुनकर जो है पहले तो वो थोड़ा सा उनको संकोच हुआ, डरे भी होंगे, लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने अपनी जूतियां उतारी और वो झाड़ी की तरफ गई। जब झाड़ी की तरफ गए तो फिर वहां से ईश्वर ने उनसे बात की और बात करके उनको ये बताया कि जो है मैं तुम्हें अपना संदेशवाहक नियुक्त करता हूँ और यहाँ से तुमको मैं चमत्कार दूंगा, उन चमत्कार को लेकर तुम फिरौन के पास जाओ। तो जो चमत्कार यहाँ पे दिए गए उसी को जब हम इस कहानी के अंदर जोड़ के समझेंगे, तो आपको याद होगा कि हमने एक बार एक स्लाइड बताई थी, उस स्लाइड के अंदर 4 पंक्तियां थी किताब एकान के 11वें नंबर के पैराग्राफ की, 4 या 5 पंक्तियां थी और उसमें से हमने कीवर्ड्स निकाल लिए थे। वो कीवर्ड्स जब हम समझना चाहेंगे तो इस कहानी के ही थ्रू वो हमारी समझ के अंदर आएंगे। तो ये जो अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, ये माउंट सिनाई का एक्चुअल पिक्चर है और जो रेड रंग की वो स्टेप्स हैं जो उसके ऊपर तक
उसके पीक तक जाने के लिए बनी हुई है। अब जो हमारी अगली स्लाइड है, 2 नंबर की स्लाइड, जो हम पहले भी देख चुके हैं, एक बार उसको फिर से हम देखते हैं। अगर अनु जी इसको पढ़ सकते हैं तो इसको प्लीज पढ़ दीजिए आप। और जब उनका कालखंड समाप्त हुआ तो मूसा की बारी आई। दिव्य साम्राज्य के राजदंड से सुसज्जित, ईश्वरीय ज्ञान के धवल कर से सुशोभित और परमात्मा के प्रेम के फारान से अग्रसर होते हुए तथा शक्ति और अनंत शक्ति के सर्प को धारण किए हुए वह ज्योतिर्मय सिनाई से जगमगाते हुए संपूर्ण विश्व में प्रकाशित हो उठे। तो ये जो पंक्तियां हैं 11 पैराग्राफ की, उसके अंदर 5 कीवर्ड्स हैं। पहला जो है वो डिवाइन रॉड है, वो जो एक डंडा था या मूसा की लाठी थी, उसके बारे में। तो अब ये कहानी से जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे कहानी को, कि मूसा पहाड़ पे चढ़ गई, ईश्वर ने उनसे वार्तालाप किया। वार्तालाप करने के बाद फिर ईश्वर ने उनसे कहा कि मूसा आपके सीधे हाथ में क्या है? तो मूसा ने बोला कि ये मेरी लाठी है जिससे टेक लेके जो है मैं चलता हूँ। तो ईश्वर ने उनसे कहा कि हम इस लाठी को एक चमत्कारिक लाठी बना देंगे, तुम इसको जो है जमीन पे डालो। तो वो फिर मूसा की लाठी लाठी न रही, वो एक राजदंड बन गई, एक डिवाइन रॉड बन गई, एक चमत्कारिक लाठी बन गई। तो मूसा ने जब उसको जमीन पे डाला तो ये देखा कि वो एक बड़े ताकतवर सर्प के अंदर, सांप के अंदर जो है बदल गई। तो ये पहला एक चमत्कार था जो उनकी लाठी के द्वारा दिया गया। और यहाँ पे जो हमारे शब्द यहाँ पे आए हैं, 4 नंबर पे माइटी सर्पेंट और 1 नंबर पे डिवाइन रॉड, तो डिवाइन रॉड से जो बहाउल्ला ने उनको समझाने का प्रयत्न किया था वो तो जानते ही थे वैसे भी, तो वो जो है उनकी मूसा की लाठी थी, और जो माइटी सर्पेंट था वो उस लाठी से बना हुआ एक सर्प था। फिर उसके बाद ईश्वर ने मूसा से कहा कि हम तुमको एक और चमत्कार देंगे, और उस चमत्कार के लिए उन्होंने कहा ये इसकी जो वर्स है वो बाइबिल के अंदर आई है, और बाइबिल की जो पुस्तक है एक्सोडस उसके अंदर ये वर्स है। तो उसमें ईश्वर ने मूसा से कहा कि तुम अपना जो सीधा हाथ है, अपने जो क्लॉक पहना है, आपने जो अबादा पहना है, जो वस्त्र आपने धारण किया हुआ है, उसको अपने आर्म पिट के नीचे, अपने बगल के नीचे रखो, अपने हाथ को, सीधे हाथ को, और फिर उसके बाद उसको निकाल के दियो। तो मूसा का जो सीधा हाथ था वो बचपन में किसी स्किन डिसीज की वजह से वो साफ नहीं था, कुछ मार्क थे स्किन डिसीज के। तो जब उन्होंने अपना हाथ अपनी बाहों के अंदर, अपनी बगल के अंदर, आर्म पिट के नीचे रखा, तो फिर उसके बाद ईश्वर ने कहा कि अब इसको निकालो और देखो। तो जब निकाल के देखा तो वो एक चमकदार हाथ में परिवर्तित हो चुका था। जो दूसरा शब्द है इसके अंदर, इन लाइनों के अंदर, रेडिएंट हैंड, ये दूसरे चमत्कार की तरफ इशारा है। तो वो एक चमकीला हाथ जो है, सफेद ध्वज चमकीला हाथ में जो है वो बदल चुका था। फिर उन्होंने कहा ईश्वर ने कि इसको वापस अपने लिबादे के अंदर रखो, अपने जो आपने पहना है कपड़ा उसके अंदर रखो, तो वापस फिर से वैसा ही हो जाएगा लेकिन ठीक हो जाएगा। अब वो जो मार्क है स्किन डिसीज के वो खत्म हो जाए। तो ये जो है दूसरा चमत्कार था जो उनको मिला, जो यहाँ पे रेडिएंट हैंड के उससे बताया। फिर उसके बाद जो है बर्निंग बुश जो माउंट सिनाई के अंदर था, तो जो बर्निंग बुश है जिससे उनको आवाज आ रही थी, वो बर्निंग बुश एक्चुअली
हम आगे जाके बहुत सारे राइटिंग के रेफरेंस से कोशिश करेंगे ये समझने की कि वास्तव में बर्निंग बुश से जो आवाज थी वो आवाज बहाउल्लाह की थी और हमारी राइटिंग के अंदर ये कहाँ कहाँ मिलता है इसको हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये सारी चीजें थी। इसके बाद फिर मूसा का एक प्रश्न था उनसे, ईश्वर से, उनसे कहा कि भाई आपने मुझे नियुक्त कर दिया अपना संदेश वहा, फिर आप मुझसे कह रहे हैं कि इजिप्ट में जाओ और जो फिरौन है जो भटक गया है और अपने आप को ईश्वर मानता है उसका मार्गदर्शन करो, उसको सीधे रास्ते पे लाओ, उसको मेरी ओर उन्मुख करो। तो मूसा ने कहा कि ये मैं कैसे कर पाऊंगा, आपने ठीक है दो चमत्कार तो मुझे दे दिए लेकिन जो मेरी जबान है उससे मैं ठीक से बोल नहीं पाता, अटक अटक के बोलता हूँ। तो एक्चुअली हुआ ये था कि बचपन में जब वो फिरौन के दरबार में, क्योंकि आपको याद है कि उनका जो बचपन था फिरौन के दरबार में ही था, वो वहीं पे पले बड़े थे। तो शुरू से ही, क्योंकि प्रॉफिट तो बचपन से ही प्रॉफिट होता है, तो शुरू से ही वो वहां पे जो फिरौन की मूर्तियां वगैरह लगी रहती थी उसको वो गिरा देते थे, कभी तोड़ देते थे। तो उन जो जो पाला था जिन्होंने, फिरौन की वाइफ ने आयशा ने, वो तो कहती थी कि बच्चा है अभी समझता नहीं है, पर फिरौन को ये लगता था कि नहीं कुछ अनयूजुअल है ये, जो है कहीं भी जाता इसको ये मेरी मूर्ति दिखती है तो इसको गिरा देता, तो कुछ अनयूजुअल इसमें दिखता। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, कुछ समझ के ही ऐसा करता। तो वाइफ और हस्बैंड ने तय किया कि देखें कितना समझदार है या कितना अभी नादान है बच्चा है। तो उन्होंने आग और एक चमकदार डायमंड ये दोनों थाली में रख के मूसा के सामने लाए, और जो आग वाला अंगारा था मूसा ने उस पे हाथ बढ़ाया और अपने मुंह में उसको रख लिया। तो जलते हुए अंगारे के कारण उनकी जो टंग थी वो झुलस गई थी और उसके कारण फिर जो है वो हुकला के बोलते थे। तो इन्होंने ईश्वर से कहा कि दो चमत्कार तो आपने दे दिए, ठीक है मैं इसका सहारा ले सकता हूँ लेकिन मैं अपनी भाषा को क्या करूँ, मैं फ्लुएंटली बोल नहीं सकता, मैं हुकला के बोलता हूँ, तो आप क्या ऐसा करेंगे कि जो मेरा बड़ा भाई है हारून उसको भी मेरी हेल्प के लिए अपना संदेशवाहक नियुक्त कर देंगे, उसको अपना नबी बना देंगे, तो क्या मेरे बड़े भाई को भी बना देंगे। तो ईश्वर ने उनकी ये बात मान ली थी। तो बड़े भाई तो इजिप्ट में ही थे अपनी माँ के पास, ये माउंट सिनाई पे आए थे, अब यहाँ से जो है वो आगे बढ़ते। तो हमारी जो अगली स्लाइड है उसके अंदर एक बार फिर इस पैराग्राफ के अंदर जो शब्द आए थे, अब वो शब्द जो है मेटाफोरिकल वर्ड्स हैं, रूपक शब्द हैं, अलंकारिक शब्द हैं, और उनका डीपर अंडरस्टैंडिंग क्या है, पगाड़ अर्थ क्या है, वो यहाँ पे आपको बताया गया। तो पहला जो शब्द है राजदंड या डिवाइन रॉड, डिवाइन रॉड से जो आंतरिक उसका अर्थ है वो है दिव्य साम्राज्य, ये उसकी डीप मीनिंग है दिव्य साम्राज्य। फिर धवल कर यानी वो चमकता हुआ हाथ, रेडिएंट हैंड, उसका मतलब है दिव्य ज्ञान, ये सब किताबे इकान के अंदर ही ये शब्द दिए गए। फिर उसके बाद फारान, माउंट फारान, माउंट फारान जो है वो एपिटोम ऑफ द लव, प्रेम का प्रतीक है, तो प्रेम का प्रतीक है। फिर जो शक्ति का सर्प था वो असीम और अनंत ताकत को जो है रिप्रेजेंट करता है, और ज्योतिर्मय सिनाई या जो बर्निंग बुश ऑफ माउंट सिनाई थी वो ईश्वर का प्रतापी स्वरूप, ईश्वर की महिमा है, वो महिमा जो इस युग के अंदर बहाउल्लाह के रूप में प्रकट हुई। तो ये जो है उनके जो पांच शब्द आए थे, कीवर्ड्स आए थे, ये उनके जो है अर्थ हैं। अब इससे आगे जब बात बढ़ेगी तो आप देखेंगे कि
बहाउल्ला ने पर्शियन का जो 71 नंबर का हिडन वर्ड से जो निगुण वचन है उसके अंदर वो क्या कह रहे हैं। इस निगुण वचन के अंदर कहा जा रहा है कि जामान की पवित्र स्थली में स्थित फारान पर्वत पर जिस संविदा के अंतर्गत तुम मेरे साथ वचनबद्ध हुए थे, यानी आप वो बहाउल्ला हिडन वर्ड्स में उस घटना को बता रहे हैं जो माउंट सिनाई पर उनके मतलब बर्निंग बुश जहाँ पे बहाउल्ला थे उनके और मूसा के बीच में हुई थी। तो वो कहते हैं जामान की पवित्र स्थली, जामान की पवित्र स्थली से मतलब होता है जरूसलम, क्योंकि वो एक होली प्लेस है और तीन पर्टिकुलरली तीन धर्मों की वो होली प्लेस है, इस्लाम की, क्रिश्चियनिटी की और यहूदी धर्म की। तो जामान की पवित्र स्थली यानी जरूसलम में स्थित फारान पर्वत, फारान पर्वत से जो अर्थ है वो सदर्न पार्ट है माउंट सिनाई का, तो माउंट सिनाई का एक भाग है जिसको फारान पर्वत के नाम से जानते हैं। तो फारान पर्वत पर जिस संविदा के अंतर्गत तुम मेरे साथ वचनबद्ध हुए थे, यानी वहां मैंने तुमसे संविदा ली थी। अब संविदा क्या होती है, ये हम जानते हैं कि संविदा एक बंधन है जो ईश्वर से लेके के बिल्कुल जो मानव होता है वहां तक आता है, एक एक रस्सी की तरह, एक कार्ड की तरह है जिसका एक सिरा ईश्वर से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा जो है मनुष्य तक आता है। ये संविदा जो है इसके तीन पार्ट होते हैं, हम मोटे रूप से कहें तो संविदा का पहला पार्ट तो ये होता है कि ईश्वर जो है हमसे संविदा ली थी कि मैं समय समय पर अपने ईश्वरीय अवतार भेजता रहूंगा, तो ये संविदा का एक पार्ट। फिर ईश्वर जो है जिनको अवतार बना के भेजता है, जो उनके संदेश वाहक होते हैं उनसे जो है वो संविदा लेता है, और ये जो संविदा का दूसरा पार्ट है जिसमें ईश्वर उनसे कहता है कि जब आप जाओगे अपने अनुयायियों के बीच में तो आपको एक काम करके वापस आना होगा, जब आप वापस आओगे तो बिना वो काम किए आप वापस नहीं आओगे, वो आप पे कंपल्सरी है कि वो आपको करना ही होगा, और वो काम ये है कि आप अपने अनुयायियों को ये हिंट्स दोगे, ये उनको बताओगे कि आपके बाद जो ईश्वरीय अवतार आएगा उसे उन्हें स्वीकार करना है, और वो कब आएगा उसके चिन्ह भी आप बताओ। तो ये जो है संविदा का दूसरा पार्ट, बात समझ में आ रही है ना। संविदा का पहला पार्ट तो ये है कि ईश्वर ने मनुष्यों से लेके जब भी ईश्वरीय अवतार आए तो आप उसको मानोगे। संविदा का दूसरा पार्ट जो है ईश्वर और उसके अवतार के बीच में, जिसमें ईश्वर अवतार से कह रहा है कि जब आपका काल खत्म हो जाए और जब आपकी भौतिक मृत्यु हो जाए, जब आप वापस मेरे पास आओ, तो उससे पहले ये आवश्यक है कि आप अपने जितने भी अनुयायी हैं उनके साथ ये संविदा बांध के आओ कि मेरे बाद जो ईश्वरीय अवतार आएगा वो तुम्हें मानना है, और उसके ये चिन्ह है। ये संविदा का दूसरा पार्ट। तीसरा पार्ट जो संविदा का ये है कि हर ईश्वरीय अवतार को ईश्वर ने आदेश दिया है कि वो अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करे, तो यह संविदा का तीसरा पार्ट। अब अगर हम हिस्ट्री देखते हैं धर्मों की, तो दो पार्ट तो जो है पूरे हुए, ईश्वर अपना जो प्रॉमिस उसने किया था वो उसके अनुसार अपने अवतार भेजता रहा है, उसकी तरफ से यह प्रॉमिस नहीं टूटा है। तोड़ता है प्रॉमिस तो वो मानव होता है जो उसके ईश्वरीय अवतार को नकार देता, तो ईश्वर अपना पार्ट पूरा करता। दूसरा जो पार्ट है कि ईश्वरीय अवतार अपने अनुयायियों को कुछ चिन्ह बता के जाता और ये भी बताता है कि उसको मानना चाहिए जो अगला अवतार आएगा, तो ये पार्ट तो वो पूरा कर देती। लेकिन तीसरा जो पार्ट है अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति, तो अभी तक धर्म का इतिहास ये बताता है कि
उत्तर अधिकारी की नियुक्ति तो हुई, पर उसके बाद कोई कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट के थ्रू नहीं, कोई कॉन्क्रीट डॉक्यूमेंट बना के उत्तर अधिकारी नियुक्त नहीं किया गया। और जब ऐसा हुआ तो उस प्रॉफिट की भौतिक मृत्यु के बाद उसके जो अनुयायी थे उन्होंने आपस में झगड़ा किया, किसी ने किसी को उत्तराधिकारी स्वीकार कर लिया, किसी ने किसी और को उत्तराधिकारी बना दिया, और इस तरीके से जो उनका धर्म था वो डिवाइड हो गया, और वो जो रस्सी जो ईश्वर की तरफ से प्रॉफिट को आई थी, प्रॉफिट के थ्रू वो उत्तराधिकारी को जाना थी, उत्तराधिकारी के थ्रू वो मानव तक आना थी, वो सिलसिला जो है टूट गया और संविदा जो है ब्रेक हो गई। तो बाउल्ला इस निगुण वचन के अंदर ये कहते हैं कि याद करो उस संविदा को जो हमने माउंट सिनाई पे तुमसे ली थी। सिर्फ धर्म के इतिहास में बाहाई धर्म, इवन जो बाबी धर्म है, ईशदूत बाब ने अपना कोई उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं किया था स्पष्ट रूप से। तो केवल बहाउल्ला हैं जिन्होंने अपनी रिटर्न संविदा दी किताब आयत के रूप में। तो वो संविदा जो है वो लगातार बाहियों के बीच में चलती आ रही है। तो ये निगुण वचन का अर्थ है। अब उसके बाद जो अगली वाली स्लाइड है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो दिव्य ज्ञान का क्षेत्र है, उस दिव्य ज्ञान के क्षेत्र के अंदर कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं। अभी तो केवल जो इसके 5 उदाहरण दिए हैं, और भी बहुत होते हैं। तो कुछ टर्म्स ऐसी होती हैं जो किसी गणित के फार्मूले की तरह नहीं होती। गणित का फार्मूला तो यह रहता है कि 2 + 2 = 4। अब इसमें कोई हेर फेर नहीं हो सकती, वो 3 भी नहीं हो सकता, 5 भी नहीं हो सकता, तो ये तो फिक्स फार्मूला है। लेकिन जो धर्म ग्रंथों के अंदर जो पवित्र धर्म ग्रंथ हैं, जो ईश्वर की तरफ से आए हैं, उनके अंदर एक ऐसे शब्द यूज होते हैं जिसके बहुत सारे मीनिंग निकलते। तो उन शब्दों के अंदर आपको काव्य भी दिखेगा, उनमें पोएट्री भी होती है, उसमें समरूपता भी होती है, एनालॉगी भी होती है, उसके अंदर मिस्ट्री भी होती है, रहस्य भी होते हैं, उसके अंदर पैराडॉक्स भी होता है, मिथ्याभास भी होता है, और उसमें अलंकारिता भी होती है। तो ये जब सारी चीजें होती हैं तो उसके जो स्पष्ट अर्थ हैं वो हर कोई नहीं समझ सकता, ये केवल वही समझ सकते हैं जिनको ईश्वर ने ज्ञान दिया। और ईश्वर ने जो ज्ञान दिया हमारे समय में हमें ये अधिकार नहीं है कि ईश्वरीय शब्दों की हम व्याख्या करें, हम ऐसा प्रयास कर नहीं सकते। और अगर कोई स्कॉलर इस तरीके का करता है तो वो स्पष्ट कह देता है कि ये मेरा अपना मत है, ये ऑथेंटिक नहीं है। तो हमारे पास इस व्याख्या को देने वाली नियुक्त किए गए बहाउल्ला के द्वारा, पहले हैं अब्दुल बहा और दूसरे हैं गार्डियन। तो ये जो है उन शब्दों की व्याख्या करते, और ये लिखा गया है हमारे उसमें कि हम पहले भरपूर कोशिश करें कि अगर किसी चीज को हम राइटिंग से समझना चाहते हैं तो अब्दुल बहा ने उसका क्या अर्थ बताया है, सुगी आफंदी ने उसका क्या अर्थ बताया है, वो हम खोजें, वो हमें मिल जाए तो वो ऑथेंटिक है, उसको जो है हम मान लें। अगर नहीं हो तो थोड़े उसमें जो एक्सीजेसिस है, जो उसका विस्तार है, उसकी थोड़ी परमिशन है, लेकिन उसमें बिल्कुल परमिशन नहीं है जो फिगरेटिव होते हैं। यानी जैसे उन्होंने बताया कि अब्दुल बास संविदा के केंद्र, अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। ये बताया कि आपको फास्टिंग रखना है, आपको प्रेयर इस तरीके से करना, आपको हुकूक देना, इसमें आप कोई भी अपना एक्सप्लेनेशन नहीं दे सकते। लेकिन जो दूसरा है उसमें अगर आपको कहीं से राइटिंग से नहीं मिलता, तो अगर आपके माइंड में कोई बात ऐसी आ गई जो आपको लगती है कि ये सही है, तो आप ये कह के कि ये मेरा मत है, ये ऑथेंटिक नहीं है, ये कह के आप समझाने का प्रयत्न कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि शब्द ऐसे होते हैं, पहले हमें कोशिश करना चाहिए कि हम जो है हॉली स्क्रिप्चर से, या वो व्याख्या अब्दुल बहा ने जो की है सम आंसर्ड क्वेश्चन में और अपनी बहुत सारी टेबलेट में,
या गार्डियन के बहुत सारे लीडर्स हैं, तो उनसे जो है हम खोज के निकालें और उनको समझने का प्रयत्न करें। जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें कुरान की एक वर्स जो ली गई है, ये कुरान की जो वर्स है उसके दूसरे चैप्टर की 253 नंबर की वर्स, और इकान के अंदर बहाउल्लाह ने इसको कोट किया। जो हिंदी का नया एडिशन है इकान का, उसके पेज नंबर 121 के अंदर ये वर्स दी गई। इसमें कुरान के अंदर ये कहा गया है कि कुछ देवदूतों को हमने दूसरों से श्रेष्ठ बनाया। मतलब एक आध्यात्मिक लेवल पर या ईश्वर के लोक में तो ये सब एक जैसे हैं, इनके अंदर कोई अंतर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये ईश्वर के अपने शब्द हैं जो कुरान के अंदर आए, जिसमें वो कह रहे हैं कि हमने कुछ देवदूतों को, कुछ अवतारों को, कुछ मैसेंजर्स को दूसरे से श्रेष्ठ बनाया। अब क्या श्रेष्ठता है, कुछ उदाहरण दिए हैं इसमें आगे इसी वर्ष में। कुछ से परमेश्वर ने बात की, जैसे मोसेस थे, ये एक ऐसे प्रॉफिट हैं जिससे सीधा ईश्वर ने वार्तालाप किया था माउंट सिनाई पे, जो अभी हमने देखा। कुछ को उसने ऊपर उठाया, ये ईशदूत मोहम्मद की तरफ इशारा है कि उनको जो है वो साथ में आसमान पे ले गए थे। कैसे ले गए थे, सांकेतिक है या एक्चुअल है? मुस्लिम्स तो ये मानते हैं कि एक्चुअल थे, वो अपनी बॉडी से गए थे, लेकिन जो शेख अहमद ऐसा ही है वो ये कहते हैं कि आध्यात्मिक जो है मेराज थी, आध्यात्मिक रूप से जो उनको ऊपर उठाया गया था। खैर एनीवे, तो ये जो है ये ईशदूत मोहम्मद की तरफ इशारा। फिर कहते हैं कि जो मरियम के पुत्र ईसा यानी जीसस, जीसस को हमने प्रकट चिन्ह दिए थे और हमने पवित्र चेतना से उसे शक्ति युक्त किया था। तो जो हॉली स्प्रिट थी वो जीसस के पास थी, और उस हॉली स्प्रिट से उनके बहुत सारे अनगिनत चमत्कार हैं जीसस के, जिसमें से आपने कुछ सुने होंगे कि वो अगर मृत व्यक्ति होता था तो उसको भी जीवित कर देते थे, किसी को अगर कोढ़ की बीमारी होती थी, स्किन डिसीज, तो वो उसे भी ठीक कर देते थे। उनके पास एक मटके जैसा था, उसमें वो कलर्ड कपड़े डालते थे और फिर जब बाहर निकालते थे तो वो सफेद होके निकलते थे, उसका सब रंग उड़ जाता। ये सारी सांकेतिक चीजें हैं। देखिए कितना, मतलब ईश्वर जब जब बहुत सरल उसमें समझाना चाहता है, अपने कहानी के रूप में समझाना चाहता है, कलर्ड कपड़े डाले उन्होंने और सफेद करके निकाले, यानी इसका मतलब क्या? यही बात तो कृष्ण भी कहते हैं कि तुम सारी चीजों को छोड़ दो और मेरे पास आओ, तुम्हारे जो सारे रंग है उसको एक तरफ रखो, मेरे पास आओ तो मैं तुमको अपने रंग में रंग दूंगा। तो ईश्वर का जो रंग है वो शांति और प्रेम का रंग है, तो वो कपड़े डालते थे और सफेद होके वो निकलते थे। तो इस तरीके से बहुत सारे उनके जो है मिराकल्स हैं जीसस के, उनको दिए थे, तो हॉली स्प्रिट से उनको सपोर्ट किया। तो यहाँ पे जो है जिन प्रॉफिट के बारे में बताया गया कुरान की इस वर्स के अंदर, मोसेस के बारे में बताया गया, प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में बताया गया और जीसस के बारे में बताया। अब इसी को ध्यान में रखकर जो मुस्लिम्स हैं उनके अंदर इन प्रॉफिट के कुछ टाइटल्स दिए गए, जिसको हम अपनी अगली स्लाइड के अंदर देखेंगे। तो ये उनके जो मोसेस थे, क्योंकि उन्होंने ईश्वर से वार्तालाप किया था, इसलिए उनको बोला था कलीमुल्ला, मीन्स हु टू हुम द गॉड एड्रेसेस, तो जिससे ईश्वर ने वार्तालाप किया था, तो उनको कलीमुल्ला कहते हैं कि जिससे ईश्वर ने कलाम किया था, बात की, तो उसको कलीमुल्ला कहते हैं। जीसस का जो टाइटल है, इस्लामिक टाइटल, वो है रूहुल्ला, यानी जिनको हॉली स्प्रिट दी थी, ईश्वर की रूह उनके अंदर आई थी, ईश्वर की चेतना उनके अंदर थी, तो वो रूहुल्ला कहलाते। मोहम्मद को उन्होंने बोला था हबीबुल्ला, यानी तो जो 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 है तुम मेरे दोस्त हो, तो उसको जो है हबीबुल्ला कहा था, तुम मेरे प्रेमी हो तो उसको हबीबुल्ला कहा। अब बहाउल्ला आप जानते हैं अच्छे तरीके से कि उनका टाइटल है ग्लोरी ऑफ गॉड। अब बहाउल्ला
का क्या स्थान है सारे प्रॉफिट के अंदर, ये हमें समझना जरूरी होता है। जब हम किताब इकान को समझ रहे हैं तो किताब इकान का क्या महत्व है बाहाई लिटरेचर के अंदर, वो आप जानते हो ऑलरेडी कि किताब अकदस के बाद जो है दूसरे नंबर की ये किताब है जिसको हम अपने लिटरेचर के अंदर सबसे पावरफुल बुक मानते हैं, तो ये तो हम मानते हैं। अब बहाउल्लाह का क्या स्थान है सारे ईश्वरीय अवतार के अंदर, इसको जो है हम राइटिंग के थ्रू समझने का प्रयास करेंगे, और उसके लिए हमारी अगली स्लाइड नेक्स्ट स्लाइड 8 नंबर की, इसमें जो है कहा गया है बहाउल्लाह कहते हैं, और जहां से ये लिया गया है वो सूरह हैकिल है, मीन्स द टेबलेट ऑफ टेम्पल सूरह हैकिल। तो इसके अंदर वो कहते हैं, नहीं मेरे मंदिर में दृष्टि गोचर अपितु ईश्वर का मंदिर, यानी मेरे व्यक्तित्व में, व्यक्तित्व अब जब पवित्र किसी अवतार का जो भौतिक शरीर होता है तो उसको भी मंदिर के रूप में, हेकल के रूप में हम संबोधित करते, तो कहते हैं मेरे मंदिर में, यानी बाहुल्ला के व्यक्तित्व मेरे मंदिर में और कुछ दृष्टिगोचर नहीं होता बल्कि ईश्वर का मंदिर दृष्टिगोचर होता, और मेरे सौंदर्य में ईश्वर का सौंदर्य तथा मेरे अस्तित्व में ईश्वर का अस्तित्व। यानी बहाउल्लाह दूसरे तरीके से क्या है कि जो ईश्वर के गुण हैं वो सब उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो ये जो है एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है बहाउल्लाह का, जो हमें सूरह हैकल के अंदर देखने को मिलता है। अब इससे आगे फिर हम एक राइटिंग से लेंगे, वो जो हमारी अगली स्लाइड है 9 नंबर की, वो समन्स ऑफ द लॉर्ड ऑफ होस्ट से है। तो इसके अंदर बहाउल्लाह कह रहे हैं कि मेरे शीर्ष के रोम रोम, एवरी सिंगल हेयर्स ऑफ माइन हेड, मेरे शीर्ष के रोम रोम वो पुकारता है जो सिनाई में प्रज्वलित झाड़ी से उच्चरित हुआ था, यानी वहां जो वार्तालाप कर रहा था वो बर्निंग मोसेस जिनसे वार्तालाप कर रहे थे, वो सिनाई की उस पवित्र झाड़ी से निकलने वाली जो ध्वनि थी, जो वाणी थी, वो बहाउल्लाह की थी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं बहाउल्लाह अपनी राइटिंग के अंदर कि मेरे शीर्ष का रोम रोम वो पुकारता है जो सिनाई में प्रज्वलित झाड़ी से उच्चारित हुआ था। जो हमारी अगली स्लाइड है उसमें लाइट ऑफ गाइडेंस से फिर एक कोटेशन लिया गया। लाइट ऑफ गाइडेंस के अंदर आप जब सर्च करोगे तो 1552 नंबर के उसमें आपको ये मिलेगा। ये पूरा नहीं है, इसको बीच में से लिया गया, हमारे पास समय नहीं रहता कि हम पूरा पूरा उसको पढ़ें, तो बीच में से लिया गया है। बहाउल्लाह अभी तक प्रकट हुए, देखिए आप वो क्या बता रहे हैं लाइट ऑफ गाइडेंस में कि बहाउल्लाह अभी तक प्रकट हुए महानतम अवतार है, यानी अभी तक जितने भी अवतार आए उसमें जो बहाउल्लाह है वो महानतम है, वो ईश्वर के दूत हैं जो मूसा के धर्म परिवर्तन को पूर्णता तक ले जाते हैं, यानी वही जो बर्निंग बुश है उससे जो मूसा को संदेश देते हैं वो बहाउल्लाह, वही थे वे जिसने प्रज्वलित झाड़ी में मूसा से वार्तालाप किया था। तो वो बहाउल्लाह थे जो मूसा से वार्तालाप कर रहे थे। अब इससे एक कंफ्यूजन लोगों के बीच में हो जाता है, और खासकर आपने नाम सुना हो कादियानी, एक मुस्लिम्स का सेक्ट है कादियानी सेक्ट, लगभग उसी टाइम की बात है जब बहाउल्लाह का समय था, उसके थोड़ा बाद के, ये इंडिया के अंदर पंजाब में कादियान के अंदर, तो वो भी अपने आप को जो है ईश्वर का दूत मानते हैं। तो वो कादियानी लोग हमारे पास अक्सर भाइयों के पास आते हैं, और वो आके पहला सवाल यही करते हैं हमसे
कि क्या आप बाहुल्ला को ईश्वर मानते हो, तो वो पहला सवाल हमसे यही कर, और अगर हम ये कह दें गलती से कि हाँ हम इनको ईश्वर मानते हैं, तो बस फिर वहीं से जो है वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे करने लगेंगे, क्योंकि उनको सिखा के भेजा जाता है कि भाइयों से एक क्वेश्चन करो। और ये गलती हमसे तब होती है जब हम राइटिंग में कुछ ऐसे वाक्य पढ़ते हैं जिससे हमें यह आभास होता है कि बहाउल्लाह जो है वो ईश्वर है। लेकिन आप जो अगली स्लाइड देखोगे 11 नंबर की स्लाइड, फिर लाइट ऑफ गाइडेंस जो है वो ली गई है। लाइट ऑफ गाइडेंस का ये जो 1553 नंबर पे आपको ये मिलेगी, जो गार्डियन सोगी अफंदी की ओर से एक भाई को लिखे गए पत्र में, जो 4 जून 1951 को लिखा गया था, उसमें स्पष्ट रूप से उसका टाइटल ही यह है लाइट ऑफ गाइडेंस का। उसमें फिर आगे भी दिया हुआ है, तो उसमें लिखा कि बहाउल्लाह ईश्वर नहीं है, लेकिन उनके माध्यम से हम ईश्वर को जान सकते हैं। तो ये कंसेप्ट हमारे उसमें क्लियर होना चाहिए कि वो मैनिफेस्टेशन ऑफ गॉड है, वो ईश्वर के अवतार है, वो मज़ार इलाही है, उनमें ईश्वर का रिफ्लेक्शन है, पर स्वयं में वो ईश्वर जो है नहीं है। ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होना चाहिए। और जितने भी प्रॉफिट अब तक आए उसमें माइटीएस्ट प्रॉफिट जो है वो बहाउल्लाह है, और उनका जो बस खत्म हो रहा है, तो उनका जो युग है आप जानते हो कि 5 लाख साल तक चलेगा। आगे जितने भी प्रॉफिट आएंगे वो इसी साइकिल के अंदर आएंगे जिसकी शुरुआत बहाउल्लाह ने की है। ओके, थैंक यू वेरी मच।